अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लजीज रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं मटन टिक्का बोटी। ये बहुत सिंपल है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त को गला लेंगे। हमने ये गोश्त लिया है आधा किलो बगैर हड्डी का और इस तरह से पीसेस लिए हैं। सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी ली है, वो भी इसमें डाल देंगे। एक मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक चॉप कर दिया है, ये भी डाल देंगे। और एक कप पानी डालेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे 7 से 8 सीटी लेके पूरी तरह गला लेंगे और फिर इसके बाद चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे गोश्त गला या नहीं। गोश्त का पानी हम पूरी तरह सुखा देंगे। पानी अच्छी तरह सूख गया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। गोश्त अच्छा ठंडा हो चुका है, अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 2 टेबल स्पून बेसन, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 3 टेबल स्पून दही और 1/2 नींबू का रस। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। पैन अब अच्छा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे और 2 टेबल स्पून तेल। अब हम इन पीसेस को फ्राई कर देंगे। एक साइड से हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर इसे पलट देंगे। हमने इसे अच्छे से फ्राई किया, अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमने बाजू में कोयला गर्म करने के लिए रख दिया था, अब हम इसे स्मोक देंगे। फॉइल पेपर की कटोरी रखकर हम इसके अंदर कोयला रखेंगे और 2 से 3 बूंद तेल के डालकर इसे अच्छे से स्मोक देंगे।
हमने इसे 1 मिनट तक स्मोक दिया। अब ये रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। मटन टिक्का बोटी बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।